मठों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए, संतों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमें अपने जीवन को संकल्प पूरे करने हैं और राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग करते चलना है। भगवान बसवेश्वर जिस करुणा भाव के साथ दूसरों की सेवा के लिए कहते थे, हमें उस करुणा भाव के साथ आगे बढ़ना है। हमें देश के संकल्पों के साथ खुद को जोड़ना है। जैसे पिछले 5 वर्षों में भारत में स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने में संतों की, मठों की, गुरुकुलों की, स्कूलों की, कॉलेजों की एक व्यापक भूमिका रही है। जिस प्रकार काशी और देश के युवाओं ने स्वच्छ भारत अभियान को देश के कोने कोने में पहुंचाया है, वैसे ही और संकल्पों को भी हमें आगे बढ़ाना है। ऐसा ही एक बड़ा संकल्प है, भारत में बने सामान को हमारे बुनकरों, हमारे हस्तशिल्पियों के बनाए सामान को सम्मान देना। और मैंने तो लाल किले से कहा था, हम सब ये आग्रह रखें कि लोकल जो बना है उसी को खरीदेंगे। हमें खुद भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी भारत में बने सामान के उपयोग पर बल देना होगा। आज भारत में वैश्विक स्तर के उत्पाद बन रहे हैं। हमें उस मानसिकता को बदलना है जिसके मुताबिक बस इंपोर्टेड ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह देश में जल जीवन मिशन को लेकर भी आप सभी की भूमिका, देश की भूमिका अहम रहने वाली है। घर हो, खेत हो या दूसरे स्थान, हमें पानी की बचत पर, रिसाइकलिंग पर ध्यान देना है। भारत को सूखा मुक्त और जल युक्त करने के लिए एक एक भारतीय का योगदान काम आएगा। साथियों, देश में इतने बड़े अभियानों को सिर्फ सरकारों के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता। सफलता के लिए बहुत आवश्यक है जन भागीदारी। बीते 5-6 वर्षों में अगर गंगा जल में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे भी जन भागीदारी का बहुत महत्व है। मां गंगा के प्रति आस्था और दायित्व का भाव आज अभूतपूर्व स्तर पर है। आज गंगा जी के इर्द गिर्द बसे गांवों, कस्बों और शहरों में मां गंगा के प्रति दायित्व का बोध अभूतपूर्व स्तर पर है। इस दायित्व बोध ने, कर्तव्य बोध ने मां गंगा की स्वच्छता में, नमामि गंगे मिशन में बहुत योगदान दिया है। नमामि गंगे अभियान के तहत 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो चुका है। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर कार्य प्रगति पर है। जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उनको भी हम तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों को मदद मिलेगी ज्यादा से ज्यादा जनभागीदारी से, आप सभी के सहयोग से। आपने स्वयं देखा है कि पिछले वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान गंगा जल की स्वच्छता को लेकर हर साधु संत और हर श्रद्धालु ने संतोष व्यक्त किया था और आशीर्वाद दिए थे। देश विदेश में अगर इसको लेकर प्रशंसा तक आप भाव दिखा है तो इसके पीछे जन भागीदारी की ही भावना रही।